तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए, धरती की जाति का लाल बाहों में ताकत आंखें जैसे पास, जंगल का दुलार। करेगी आलिया भट्ट स्टार फिल्म आरआरआर की शूटिंग, क्या किरदार होगा आलिया का फिल्म आरआरआर में? The story of the film revolves around the two freedom fighters who fought against the Nizam of Hyderabad along with the British rule. In the movie, many foreign actors, mainly including two, are going to be among us the most important characters. The full name of the character of the junior NTR in the film is Komaram Bhi. Superstar Ram Charan Teja के साथ इन दो शहरों में शूटिंग शुरू करेंगी आलिया भट्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, आलिया भट्ट बॉलीवुड के बाद अब साउथ में डेब्यू करने जा रही हैं। हिंदी फिल्मों में अपना टैलेंट दिखाने के बाद अब एक्ट्रेस आलिया भट्ट साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली हैं। फिल्म में आलिया एक यंग गर्ल के किरदार में हैं, जिसमें आलिया का महत्वपूर्ण रोल है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की 40% शूटिंग हो चुकी है। बता दें कि RRR 1990 के बैकग्राउंड में बन रही बहुत बड़ी फिल्म है। इस फिल्म के जरिए राजामौली ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया। RRR एक मेगा बजट फिल्म है, जिसका बजट 350 से 400 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। एक इंटरव्यू में राजामौली ने कहा था कि दोनों कलाकारों के किरदार इतने पावरफुल और संतुलित हैं कि फिल्म शुरू होने के बाद दर्शकों को NTR जूनियर और रामचरण तेजा नजर नहीं आएंगे, बल्कि वो सिर्फ किरदार में नजर आएंगे। इस साल में जिन फिल्मों को बेसब्री से इंतजार रहेगा, उनमें SS राजामौली की RRR भी शामिल है। इस फिल्म का इंतजार बढ़ने की एक वजह इसकी स्टार कास्ट भी है, जिसमें अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे नाम शामिल हैं। आलिया फिल्म के सेट पर पहुंच गई हैं और राजामौली के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में आ गई हैं। SS राजामौली ने आलिया के साथ फोटो शेयर करके लिखा, हमारी प्रिय सीता का RRR के सेट पर गर्म जोशी से स्वागत है। बता दें RRR में जूनियर NTR और रामचरण मुख्य किरदारों में है। आलिया का वह तेलुगु डेब्यू है। मूल रूप से तेलुगु में बन रही RRR एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी दो स्वतंत्र सेनानियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जंग लड़ी थी। फिल्म में दो एक्ट्रेस समेत कई विदेशी कलाकार अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। फिल्म में जूनियर NTR के किरदार का पूरा नाम कोमाराम भीम है। कोमाराम भीम स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके बारे में राजामौली ने बताया था कि उन्होंने पारंपरिक तौर तरीकों से शिक्षा हासिल की नहीं की थी और जवानी में भी अपना गाँव छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब वापस आए तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने आदिवासियों के लिए निजाम के शासन के खिलाफ जंग छेड़ी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई थी और बाद में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी। मैं हूँ पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।